जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम MP पुलिस एग्ज़ाम की 12 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के जो रेडियो के टॉपिक है इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन टॉपिक को लेकर आए हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। और आपको सभी को बता दें वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग 1200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MP GK की PDF है इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे दी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम रेडियो के जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं तो किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे गए हैं और हम इन टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। हर घंटे आपको एक टॉपिक पर एक वीडियो मिलेगी। चलिए देखते हैं, तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया था कि लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, पर आप सभी को बता दें कि देखिए इसमें फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो फिजिक्स के मिनिमम जो क्वेश्चन थे मैक्सिमम वह 30 क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री के भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनमें इस प्रकार का कुछ बेटेज बना था जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है क्वेश्चन ये सभी 10वीं और 12वीं लेवल के जो 12वीं के आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन है यही पूछे जा रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो देखिए चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए एमीटर से प्रश्न पूछा गया था कि एमीटर से वोल्टमीटर से प्रश्न पूछा गया था, रेजिस्टेंस से प्रश्न कन्वर्ट करने का आया था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं डायोड से पूछा गया था कि डायोड किस प्रकार से संबंधित है ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यूनिवर्सल गेट जो होते हैं पहले आपसे रीजनिंग में पूछा जा रहा था परंतु अब इनसे जो गेट बनते हैं एंड गेट जो रहता है और गेट एंड गेट आप सभी को पता है कि इनटू वाला रहता है जो हमेशा गुणा में बनता है और गेट जो होता है तो इसका भी वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉट गेट से पूछा गया था, एंड गेट से और गेट से, ये तीनों गेट हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया था बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था कि FET का फुल फॉर्म पूछा गया था कंप्यूटर से, FET का फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं रेखीय समीकरण जो गणित में था, गणित में रेखीय समीकरण से पूछा गया था और जो फिजिक्स थी फिजिक्स में अवतल दर्पण से पूछा गया था, इसका जल्दी हम वीडियो लाने वाले हैं क्योंकि आपको सभी ही जो टॉपिक है इन सभी के वीडियो कल तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट कार शक्ति ऊर्जा से पूछा गया था इनके सूत्र से सॉल्व करने का, तो इन सभी के सूत्र जैसे कार बराबर से होता है बल इंटू विस्थापन ये सूत्र से सॉल्व करने का था, ठीक है इस प्रकार से शक्ति से भी पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं ज्यामिति जो निर्देशांक ज्यामिति होता है इसका वीडियो आपको जल्द ही एक घंटे से पहले ही आपको इसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की बटन जरूर दबा ले क्योंकि ज्यामिति निर्देशांक की एक ट्रिक भला हमारा वीडियो हो चुका है जो कि कुछ ही समय में आपको मिल जाएगा, एक घंटे से पहले पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक था एक त्रिकोणमिति से पूछा गया था प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इन सभी जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी टॉपिक के वीडियो आपको कल तक सभी टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद दोस्तों।